अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? बहुत दिनों बाद मैं दोबारा से लाइव हुई हूँ। काफ़ी दिन मैं इधर उधर थी और कुछ तबीयत भी मेरी काफ़ी ख़राब थी जो मैंने बताया नहीं था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत ठीक हूँ। और इस वक्त मैं एक बहुत खूबसूरत सी जगह आई हुई हूँ इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू तो फाइनली रिकॉर्ड हो गया, लेकिन वो इंटरव्यू कौन ले रहा था और किसने लिया और क्या ताल्लुक़ है उसका मेरे साथ, क्योंकि जब मैं यहाँ आई तो उससे पहले भी काफ़ी दफ़ा उनसे मिल चुकी हूँ और बहुत अच्छा बोलती हैं। बता समझ रहे होंगे, बोलता है नहीं, बोलता है नहीं, बोलती हैं। तो उनके साथ हूँ, ज़रा जल्दी जल्दी उनकी तरफ जाऊँगी और आपको उनको दिखाऊँगी। और मैं कहाँ हूँ, किधर मौजूद हूँ मैं नहीं बताऊँगी, वो बताएँगे, फिर इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस वक्त काफ़ी लोग जो जो हमें देख रहे हैं उन्हें पता चल जाएगा कि वो कौन है जिनकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा और क्यों आना पड़ा। तो हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, कैसी हैं आप? उस्मा ताहिर जी मेरे साथ मौजूद थी दिल के अफसाने की महफिल में सुना FM 89.4 पे, और हम लाइव भी जा रहे हैं उस्मा के साथ। लाइव लाइव मैंने बहुत खेला एक्चुअली, लेकिन आ जाइए चलते चलते आज नहीं बैठ के बातें करते हैं ना है। मैं इसलिए बैठ के बातें करना चाह रही हूँ बड़े आराम से और सुकून से, क्योंकि बहुत अरसे के बाद मैं भी लाइव हुई हूँ। बीच में जब दिल के अफसाने की 3rd anniversary थी तो मैं लाइव हुई थी फेसबुक लाइव पेज से, और इससे पहले हम लाइव हुआ करते थे जब हम यस व्हेन वी हैड ट्रिप टुगेदर। कुछ जगहों पे हम साथ थे, फिर मेरे और इनके रास्ते अलग हो गए थे, लेकिन मंजिल क्योंकि एक ही है कि यानी कि पाकिस्तान कराची, तो हम फिर से साथ हैं, इकट्ठा हैं। हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं, महजुबीन हमें देख रही हैं, हेलो MJ कैसी हैं आप, यू आर सच अ स्वीट हार्ट, बहुत अरसा हुआ, किस्मत साथ नहीं दे रही, मैं और आप साथ काम नहीं कर रहे, न जाने क्यों कहां है। हमें ज्वाइन समी इंसानी ने भी किया है, और एक बाहर जद्दा से होते हैं बशारत, उन्होंने भी किया है। जितने भी लोग हैं सबको बहुत बहुत मुबारक, और पाकिस्तान अल्लाह करे आज जीत जाए, क्योंकि आज मैच भी है। मैच भी है समी भाई, थैंक यू सो वेरी मच, यू आर सच अ स्वीट हार्ट। भाभी कैसी है, सब लोग कैसे हैं घर पे? अच्छा बता दो, इन्होंने मुझे खास तौर पे विश किया था, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी मैं बताऊंगी, क्योंकि हम लोगों ने बड़ा साथ काम किया, तो सवाले से अच्छा इंटरव्यू बहुत खूबसूरत हुआ है। वो जब आएगा मुझे रिस बता देंगी, तो मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगी जो मैंने आज बनाई है। हमने प्योर जिंदगी पे बात की है, काम पे बात की है, दोस्ती पे बात की है, रवैयों पे बात की है, और आगे बढ़ने पे बात की है। जी बिल्कुल, एक्चुअली कुछ सेलिब्रिटी बेस्ड शोज़ मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ दिल के अफसाने के स्पेशल शोज़, और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे कलीग्स हैं वो यहाँ आए हैं, मेरे साथी अदाकार जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, उनके दिल की बातें दिल के अफसाने में मैंने आपके बिहाफ पे पूछी हैं जो मेरे सुनने वाले हैं। तो जी बहुत शुक्रिया उज़्मा, आप आई, और वो तमाम लोग जो यहाँ आए इस महफिल में, जिन्होंने हिस्सा लिया, जिन्होंने अपने दिल के अफसाने दिल के अफसाने की महफिल में बताए, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी का एक फसाना होता है, और वो फसाना अगर वो शेयर करे तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। बेशक बरकत अली भी हमें देख रहे हैं, नहीं बशारत अली, बशारत अली। अच्छा अरिस, थैंक यू सो मच, आपने मेरे भाई के लिए बहुत कहते ना दुआएं दी, क्योंकि मेरे भाई का बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है। कामरान ताहिर उस्मत ताहिर के भाई हैं, जिन्होंने अभी एक वीडियो पिक्चराइज करवाया है मौला अली पे, एक कलाम उन्होंने जो है वो पेश किया है, और आई होप एंड आई एम श्योर कि आप सबको बहुत खूबसूरत बहुत अच्छा लगेगा। मेरी आज पहली दफ़ा इनसे मुलाकात हुई है, बहुत ही प्यारे हैं कामरान भाई, क्योंकि ज़्यादा प्यारे मुझे इसलिए भी लगे क्योंकि उन्होंने बहुत दिल से हमारी पिक्चर्स अभी क्लिक की हैं, और जो पिक्चर्स क्लिक करता है वो मेरा मोस्ट फेवरेट हो ही जाता है। तो मैं बताऊँगी कि दिल के अफसाने रिस्क कमाली के साथ मैं मौजूद थी। मुझे अच्छा ये लगता है कि हम अपने दोस्तों के पास जब जाते हैं और आपको इज्जत बहुत मिले तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी जगह बैठी हुई है, बहुत अच्छा काम करी है, बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा दिखती है, और अल्लाह ने तुम्हारी ये चीज़ें बरकरार रखें। इसी तरह आप माशाल्लाह अच्छा काम करते रहो मुल्क के लिए और अपने घर वालों के लिए, तो बस यही दुआ है। मैं थोड़ा सा व्यू बाहर का भी दिखाती हूँ, थोड़ा सा आ जाओ, और तमाम लोग जो जो भी इस वक्त देख रहे हैं दुआ करें पाकिस्तान जीत जाए, क्योंकि अभी हमें पता नहीं इसके और कहाँ तक पहुँच चुका है। ये पीछे दानिश है, ये देखें जी दानिश है, और ये मेरा भाई है। अस्सलाम वालेकुम दानिश, आप लाइव जा रहे हो, कैसे हो आप, ठीक हो? आप जितना छुपना चाहते हैं जिन लोगों से, हमने सबको दिखा देना है कि मेरा भाई बहुत मसरूफ है। कामरान कैसे हो भाई? अल्लाह का शुक्र सब ठीक ठाक हैं। अस्सलाम, अच्छा जी सबको अस्सलाम वालेकुम, और ये देखिए दोबारा से ये है इसने खूबसूरत सा, क्या ज़बरदस्त हमेशा की तरह।
और बहुत जल्द, क्योंकि हमें नहीं पता ये रिकॉर्डेड शो है, जैसे जैसे शेड्यूल इनको मिलेगा, जैसे जैसे ये बताएंगे उस तरह बहुत से लोग आपके शो में आते जाएंगे। और मैं तमाम लोगों से कहूँगी जो जो भी जिस जिनको बोलें वो प्लीज़ इस शो में ज़रूर आए, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको अच्छा लगेगा। आप जब आप अपनी ज़िंदगी पे, अपनी लाइफ पे और अपने उन लोगों पे बात करते हो जो आपने पीछे छोड़ दिया होता है, तो पुरानी चीज़ें रिकॉल होती हैं, है ना। बिल्कुल, मेरी कोशिश होती है कि मेरे जो भी मेहमान मैं यहाँ मधु करूँ उनके बारे में मैं उनसे बात करूँ, बिकॉज हम जब भी मॉर्निंग शोज़ में जाते हैं तो नॉर्मली व्हाट वी हैव सो मेनी डिफरेंट गेम्स ओवर देयर, वी डोंट गेट टाइम टू एक्सप्रेस अबाउट herself, about her life, about her likes and dislikes, के जो लोग सुनना चाहते हैं, जो लोग जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे इट इज़ रेडियो, इट इज़ FM, बट इट इज़ एक्चुअली वन टू वन इंटरव्यू, इट इज़ बेसिकली फोकस्ड ऑन माई गेस्ट। तो बहुत इज्जत और एहतराम के साथ मैं उनसे उनके दिल का हाल जानना और पूछना चाहती हूँ, और आप तक जो मेरे सुनने वाले हैं उन तक पहुँचाना चाहते हैं। और साथ ही साथ ये कहूँगी कि दोबारा से हम काफ़ी टाइम बाद दोबारा से लाइव हुए, और कोशिश करेंगे जब जब हमें ऐसे मौके मिले, क्योंकि मैं अच्छा मौका जाने नहीं देती और कोशिश करती हूँ कि अच्छी चीज़ें आपसे शेयर करूँ। मुझे अच्छा लगता है अपने दोस्तों को दिखाना, अपने उन लोगों से बात करना जो हमारे साथ हमारे पेज पे जुड़े हुए हैं, क्योंकि बाजार हम लोग नहीं मिल सकते। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये एक तरीका होता है कि आप, इट्स अ गुड मीडियम टू गेट इंटरैक्टेड विद ईच अदर, और अच्छी बात है अगर आप हर चीज को अच्छे तरीके से, अच्छे पैमाने पे जांचें और पॉजिटिव लें। अच्छा, ये सैयद हैदर जो है वो सलाम कह रहे हैं अब तक न्यूज से। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ये है जी सैयद इमरान हैदर, मेरे अब तक के हैं। अच्छा, वो लेख हैं पुराने, और जीते रहे, खुश रहे, आबाद रहे। मैं अब तक के लिए हमेशा कभी कहती थी अब तक, कब तक, कब तक। They wish you all the best, Usna. You are going to start a new project on any of the new channel you just told me. So, wish you all the best for your new venture. Thank you so much. Of course, Kamran Tahir, जो आपके भाई हैं, उनको भी बहुत सारी best wishes. और जितने लोग जो भी काम कर रहे हैं उन सबके लिए बहुत दिल से नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशात है, बिकॉज हम हर इंसान अपने तरीके से अच्छा काम करने की कोशिश करता है, बेहतर से बेहतर। तो सबके लिए नेक तमन्नाएं होनी चाहिए। और चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब हम जरा खुदाफिज कहते हैं, क्योंकि मैच अभी बाकी है, वो घर जाके देखेंगे। अरेज भी बिजी हो गई है, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी चीज़ें हमने आज बनाई हैं जो इंशाल्लाह अपलोड होंगी, और बहुत सारा प्यार इस आपके नसीब, अल्लाह बहुत अच्छे करे। जल्दी से आप अपने घर जाए और चांद सा दूल्हा आपको मिले। जल्दी से अपने घर जाओ, नहीं फिर भी काम करते रहो ना यार। जल्दी से अपने घर जाओ, मतलब अपने घर जाओगी, अपने अपने घर जाओ, अपने अपने घर। एक्चुअली क्या बात है, ये क्या लॉजिक है, मतलब पहले बेटी है तो बाप के घर पर है, उसके बाद शौहर के घर पर है, फिर बेटे के घर, कोई घर नहीं है, ये क्या बात हो गई यार। देखो, अपना घर वही होता है जहाँ इंसान ईजी फील, रिलैक्स, कम्फर्टेबल होता है, और वो अपना घर मेरा ख्याल है जो आपके माँ बाप का घर होता है उससे ज्यादा अच्छा घर कोई होता ही नहीं। राजा शाहिद अली है, उन्होंने क्या हाल है, राजा शाहिद अली कहते हैं जी, राजा जी कैसे हैं आप, क्या हाल है आपके, कहाँ गायब हैं आप, और कितना अरसा हो गया उस बेढंगे प्रोजेक्ट के बाद। हमने राजा शाहिद अली डायरेक्टर हमारे, अच्छा गौर से, ओके ओके ओके, डायरेक्टर एक बेहंगम प्रोजेक्ट हमने इकट्ठा किया था, और उसके बाद हमारी अब बात हो रही है, और मजे की बात ये कि उस प्रोजेक्ट के पैसे मुझे आज तक नहीं मिले। चलो चलो, ऐसी बहुत सी चीजें जिंदगी में, वो हम फिर बात करेंगे, हम सामने बात करते हैं आप लोगों के। खैर चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत प्यार, दुआएं, और इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए, क्योंकि मुझे घर जाना है और बाकी का मैच देखना है, और वैसे भी आज स्वयं है तो रोड भी थोड़े ब्लॉक है जी। बिल्कुल, बस अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और अल्लाह में हम सबको नजरे बस से बचाए, तुम्हें, मुझे, और हम जैसे जितनी लड़कियां घर से निकलती हैं। कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हम कहां आप लोग, अच्छा हम कहाँ आप लोग गायब हैं, राजा बिल्कुल गायब हैं, और मुझे भी, राजा कह रहे हैं मुझे भी नहीं मिले। यस, ये एक बड़ी दुख भरी कहानी है, और मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के जरिए जरूर बताऊंगी कि मुईन एक साहब थे जिन्होंने PCHS में अपनी कोई अपना कोई ऑफिस ओपन किया कि जी ये मेरी नई नई जो है वो प्रोडक्शन हाउस की एक थीम है और मैं ड्रामे बनाऊंगा, और उसमें शाहिद यूनुस भी थे, राजा शाहिद अली भी थे, उसमें मुस्तफ़ा भी थे, नहीं मुस्तफ़ा नहीं, नईम कुरैशी भी थे, और इन सबको क्योंकि मैं जानती थी लेकिन मुईन को नहीं, तो मैंने इनकी वजह से वो प्रोजेक्ट को जो है वो ओके किया। इन सबको भी पैसे नहीं मिले, मुझे भी पैसे, लेकिन अब पैसे लोगों के खिलाफ काम होना चाहिए, और बहुत सारे लोग उसमें, फिरदौस जमाल, बिलाल कुरैशी, सीमी राहील, सीमी पाशा, एंड देयर आर सो मेनी अदर पीपल के जिनको थोड़ी थोड़ी पेमेंट करने के बाद आज तक पैसे नहीं मिले, और मेरे पास उसका जो चेक है, बाउंस हुआ हुआ चेक, वो अभी तक मौजूद है। अगर मैं उसकी कंप्लेन करूं तो वो मुझे पता नहीं कहां से कहां, मुझे बता देना, मैंने इसी के लिए खिलाफ, वैसे हम कंप्लेन निकालेंगे। सीमी पाशा
साहिबा मोबाइल लेके उनके ऑफिस पहुंची थी रेट डलवाने के लिए कि ये पैसे लेके भाग गया बंदा, लेकिन उस ऑफिस पे ताला लगा हुआ था, तो आज तक वो पैसे चले कोई बात नहीं, ऐसे पैसे हजम नहीं होते, अल्लाह ने हमें आगे कितना दे दिया, नवाज दिया, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोग आवाज उठाएं, और वो लोग जो पैसे नहीं देते उनके खिलाफ भी आवाज उठानी पड़ेगी अब हमें। राजा मैंने बता दिया सब कुछ, और हमारे साथ कौन है अब्दुल्ला भाई, कैसे जी? बिल्कुल ठीक ठाक, सब खैरियत है। सलाम सिस्टर उज़्मा और भाई और फ्रेंड्स, सब कैसे हैं जी? सब बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। और हम अभी रिकॉर्डिंग पे थे, वेयर वी जस्ट गॉट फ्री, और हम लाइव आ गए, कुछ हमने यादें ताज़ा की यूएस ट्रिप की, क्योंकि वहाँ से उज़्मा बहुत लाइव जाया करती थी। पाकिस्तान इंडिया का मैच है, ऐसी नज़र लगाई जिस किस्म खुदाई की परसों उठी हूँ, इतने टेस्ट हुए अभी रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन बाखुदा आने के बाद 15 दिन तक मैं उठ नहीं सकी बिस्तर से, और जब भी कहते हैं कि नज़र पत्थर फाड़ देती है, बिल्कुल ठीक कहते हैं, तो बस अल्लाह में तुम्हें मुझे काले कपड़े इसलिए पहनते हैं ज्यादा कि नजर। अच्छा मैंने तो आज काला नहीं, मैं तो नॉर्मली बहुत ब्लैक वेयर करती हूँ, और आज जब मैंने ब्लैक नहीं पहना, उज़्मा ने ब्लैक पहना। अरे यार हमारे बहुत प्यारे दोस्त आ गए, शेख लाहौर में, लाहौर से न्यू टीवी से एक शो करते हैं जिसमें बहुत सारे कॉमेडियंस होते हैं, जिसमें की सलीम शेख भी है और भी बहुत सारे लोग हैं जो होस्ट करते हैं, बहुत खूबसूरत शो पेश करते हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, आर्टिस्ट की इज्जत करते हैं, पेमेंट वक्त पे करवाते हैं, टाइम पे, और सबसे बड़ी बात पैसे के साथ इज्जत इतनी देर होती है, पैसे हाथों हाथ। देखे साइम हम आपको और आपके शो को कह रहे हैं, और हम देखे आपको, हम दोनों को फिर से बुला ले प्लीज। नहीं डेफिनेटली हम जाएंगे, तो वहां जरूर जाते हैं। बल्कि अभी अच्छा मैं कहना चाहती हूँ, वो अशफाक के जो वालिद का भी इंतकाल हुआ है, क्योंकि फोन नहीं उठा रहा था। जी जी, अशफाक अलवी जो है उनके वालिद का इंतकाल हुआ है अभी इसी हफ्ते, और बहुत ज्यादा कंडोलेंस और दिल से ताजियत, अल्लाह ताला उनके दर्जात जो है बुलंद करे, और आपको और आपके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। अशफाक अलवी का ताल्लुक हम सब से जो कराची वाले आर्टिस्ट हैं सब बहुत पुराना है, बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत अच्छे हैं, पहले A+ में होते थे, अब उन्होंने एक और ट्वेंटी फोर है, जफरी शो वो कर रहे हैं वहां से, और बहुत खूबसूरती से कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छा लोग हैं। वो लोग हैं जिन जब हम काम के लिए जाते हैं और ये हमें मिलते हैं और इतनी इज्जत देते हैं, तो अल्लाह में आप लोगों को इज्जतें बरकरार रखे, आप लोग किसी भी चैनल पे जाएं वहां पे इसी तरह काम करते रहें। हाँ। और बस यही दुआएं आप लोग हमारे लिए भी करें, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि हम बस काम में आपको अच्छे नजर आए। अच्छा पता क्या, जो लोग अच्छे होते हैं वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हों, किसी भी चैनल पे हो, जैसे कि पहले अशफाक A+ पे थे हम तब भी तारीफ करते थे, अब 24 पे हम तब भी तारीफ करें, तो इट्स अबाउट यू, योर रेप्यूट, इट्स नॉट अबाउट चैनल। मिसाल है देखो, हम कहते हैं ना जब अच्छी चीज होती है, अब कौन आ गया, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, हम दोबारा से यादें ताज़ा कर रहे हैं तमाम लोगों को दिखा के, और इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें मैं दिखाती रहूँगी, और रिस्क अमाली भी आपको दिखाते रहेंगे, तो आपके साथ हमाशा होती है, और लाहौर बहुत आती है काम करने। हाँ। इसी तरह बरकत रहे काम में, और हाँ। जितने लोग हमें देख रहे हैं हमें अब जाना है, बहुत मोहम्मद याहिया अशफाक, ओ याहिया भी आ गया, अस्सलाम वालेकुम याहिया, ये वो है जिन्होंने मुझे एडवेंचर करवाया था ना, बताया था मेरा कजन है जद्दा में, और अभी कल इन्होंने सऊदीया, आज सऊदीया की वो है ना एनिवर्सरी है, ठीक है, तो आज इन्होंने सऊदीया के साथ मिलके भी एक कारनामा अंजाम दिया जो सब न्यूज पे चल रहा है। वो क्या है भाई, क्या था पैराशूट पे, आमने सामने बैठ के पाकिस्तान का परचम और सऊदीया का परचम लेके ये ऊपर गए हैं, और वो ऊपर जाके उन्होंने केक भी खाया, सब कुछ किया, और दोनों आमने सामने बैठे हैं, वो आजकल न्यूज पे चल रहा है आज के दिन। ऑलराइट, दैट्स वेरी नाइस। और याहिया साहब, अभी हमने आपका जिक्र किया जब शो की हम रिकॉर्डिंग पे थे, और उज़्मा ने मुझे यही बताया कि देयर आर सो मेनी पीपल हु एक्चुअली ट्राइड टू मेक इट डन, बट उज़्मा एक्चुअली डिड इट, एंड इट इज एक्चुअली अबाउट, इट इज ऑब्वियसली अबाउट योर हेल्प और इनकरेजमेंट, क्योंकि जब तक जो लोग टीम में होते हैं और एक दूसरे को साथ ना दे उनका, एक दूसरे को इनकरेज ना करें, तब तक आप कोई नहीं कर पाते, अकेले का काम नहीं होता नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ कभी अगर मैं भी आया और मेरा दिल चाहा तो मुझे जरूर कुछ देयर करवाइएगा। फिजा सलीम हमें देख रही है, अस्सलाम वालेकुम फिजा, कैसी हो मेरी जान, गजालापा की बहुत क्लोज फ्रेंड में आते हैं ये लोग। अच्छा, गज्जो को मेरा बहुत सलाम फिजा आपके तवस्सुत से, और ब्यूटी ऑफ कराची कहते हैं साइम शेख, थैंक यू सो much, और आप ब्यूटीफुल सोल ऑफ लाहौर। और मोहम्मद याहिया अगेन हमें देख रहे हैं और कहते हैं या श्योर, थैंक यू याहिया, यू मेड माई हार्ट, यू मेड माई डे, क्योंकि दिल बड़ा करना और किसी को इनकरेज करना, सबको इज्जत देता है, गाना ही सबको इज्जत देता है, अल्लाह को बहुत इज्जत दे, और जो जो लोग मेरे साथ जुड़े, मुझे फख्र इस बात पे है, चंद लोग हैं बड़े सॉलिड हैं, हाँ, जिसपे ये आ जाते हैं सर आ जाते हैं, और दो चार लोग आ रहे हैं जो इतने सॉलिड हैं कि वो सब पे भारी हैं। सर का नाम भी ले लो, अदनान रफी, अदनान रफी साहब, ये आपसे अक्सर बात यूएस
ऑफिस में भी जब थी तो किया करती थी, बिकॉज वेन यू वर टूगेदर तो ये जैसे फोन पे बात करती थी, सर सर सर, मैं सोचती थी कौन से सर है? हाँ, मैं पूछूं कि यार ये सर कौन से सर है, मुझे भी बता दो आज। तो ये इसने मुझे बताया था कि मेरे जो मेन प्रोड्यूसर हैं, जो हेड हैं मेरे चैनल के, वो हैं, तो ये आपको बहुत रिगार्ड करती हैं, बहुत आपकी सुनती हैं, फॉलो करती हैं, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि उन लोगों यार को नहीं सिखाई ना। अच्छा, प्लस क्या होता है कि अगर आप किसी पैनल पे हैं, किसी जगह पे हैं, और उन लोगों को हमेशा याद रखें, बात करें, उन लोगों को हमेशा आगे रखें जिन्होंने आपका हाथ पकड़ के आपको कहीं लेके गए, कुछ सिखाया, ये बड़ी बात है, ये आला जर्फ की बात है। अच्छा, बाजी साइड ने भी ज्वाइन किया है। हाय भैया, सीरियसली इट्स बीन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम टू सी यू। ये बहुत, और ये इतनी स्पीड में बोलते हैं मेरा भाई, हमारा भाई, इतनी स्पीड में ये बंदा। अच्छा, मैं इनके स्टूडियो में गई हूँ, मुझे कुछ वॉइस ओवर्स थी कमर्शियल्स की, मैंने वो की, इन्होंने मुझे बहुत बोला कि जिंगल्स कर लो, पर मैंने कहा मैं गा नहीं सकती क्योंकि मैं लोगों की समझ नहीं, इसकी आवाज अच्छी होगी वाजे तो आप इसको बुला सकते हो, मैंने इसका गाना सुना है, बोला है वाजे, लेकिन मैं नहीं जाती, मुझे आपने कहा था ना जिंगल्स के लिए, मैं नहीं गई। फिर मुझे कामी शानी, फिर मुझे कोई एक और बंदा है, मैं नाम भूल रही हूँ, मुजाहिद के पता नहीं क्या नाम है उसका, एतहाद को उसका स्टूडियो है, उसने मुझे बोला मैं नहीं गई। मैंने कहा जब मैंने वाजिद के पास जिंगल्स नहीं किए तो और मैं कहाँ जा रही हूँ। चले हम दोबारा से कुछ अच्छी चीजें दोबारा करेंगे, जिंदगी में सारी चीजें अच्छा नहीं हो सकती, मगर फिर भी ट्राई करना चाहिए। माशाल्लाह हमारा भी सफर बहुत है, हमारा भी दोनों का हमारा सफर बहुत है, उर्दू वाला सफर, इंग्लिश वाला नहीं। और हम कहते हैं ना, हम रिश्तों को भी हेलो 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 सैयद इमरान हैदर कहते हैं। हेलो जी सैयद इमरान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। राहत हुसैन भाई ने भी ज्वाइन किया है, अस्सलाम वालेकुम भैया, ये भाई अमेरिका होते हैं। अच्छा, राहत हुसैन, ऑलराइट, सो राहत जी बहुत अच्छे एंकर हैं, वहीं से शुरू हो रहा है। अच्छा अच्छा, दैट्स वेरी नाइस, एंड इट वाज प्लेजर, इट वाज रियली अ नाइस ट्रिप, बिकॉज मैंने अभी भी मैं शो में ये बोल रही थी कि हमारे पाकिस्तानी लोग वहां जाके लाइसेंस टू किल अपना लेते हैं जब आप आउट ऑफ कंट्री कहीं जाते हैं, लेकिन जो स्पेशली यूएस के लोग हैं जो वहीं रहते हैं सालों से, उन्होंने पाकिस्तानी आर्टिस्ट को, हम लोगों को, जितने हम लोग यहाँ से गए थे, बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया, बहुत विटेज दिया, और ये बात की मुझे बहुत खुशी है। काश के हम जो वहाँ के सब लोगों को बहुत मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं, जितने भी वहाँ के लोग थे हमें कभी भी नहीं भूलते। काश के हम लोग आपस में भी एक दूसरे की इज्जत यहाँ भी करवाए और बाहर जाकर वो इज्जत करे भी और बनवाए भी। बिल्कुल सही, मैं करीब आके देख रही होती हूँ कि जी कौन है इस वक्त हमारे साथ और हमें कौन देख रहा है। अच्छा चले जी, अभी देखने का सिलसिला तो चलता रहेगा क्योंकि अब जो जो देखेगा, साथ मैच भी चल रहा है। और अब कौन आ गया? सैयद राहत हुसैन कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, खुश रहो, आमीन, बोथ लुकिंग ग्रेट, एंड उज्मा बहुत अच्छी है, और आप भी सलामत रहिए। एक मिनट, कुछ और भी उन्होंने आगे कहा है, सी मोर वेटिंग फॉर यू, ओ यस, थैंक यू सो वेरी मच, वी आर प्लानिंग टू कम अगेन, और जब जब आप लोग प्यार से दिल से बुलाएंगे हम जरूर आएंगे। यहाँ पे शो कोई करवा लेना हमारे शो के अलावा भी, शो के अलावा भी देखिए, मैं तो, मेरा तो प्लेजर ट्रिप था, मैं तो अपने पास से पैसे खर्च करके गई थी, ये लोग थे जिन्होंने याशी हमारी, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप जो कमाएं जरूर ट्रैवलिंग के लिए एक बजट रखें, मुख्तस करें एक अमाउंट कि ये आपकी ट्रैवलिंग का बजट है, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रैवल करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे दुनिया को, जो हमारे अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, तो आपका विजन वास्ट होगा, प्लस आपका जहन यहाँ बिला वजह की चीज़ों में नहीं बसेगा। हाँ, दिमाग फ्रेश हो जाता है, माइंड फ्रेश होता है, आप रिफ्रेश होते हैं, दुनिया की खूबसूरती देखते हैं। देखिए लोगों में तो खूबसूरती है अगर आपकी निगाहों में प्यार है, लेकिन जब आप दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे और अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया को देख के उसको सराहेंगे और सुभान अल्लाह कहेंगे, तो वो अल्लाह की तारीफ होगी, तो वो ज़रूर कीजिए। चलें जी, बहुत सारा आप सब लोगों के प्यार, दुआएं, और हमें भी दुआ में याद रखें, बहुत जल्द दोबारा से आपको कहीं हम दोबारा नजर आएंगे, बहुत जल्द, और इसी तरह से हंसते मुस्कुराते, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लोग हमारा हंसता चेहरा ही देखें। बिल्कुल सही कहा आपने, मेरे शोज के लिए आपका इंटरव्यू होगा, बी रेडी। ओह यस, सैयद राहत हुसैन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जल्दी से बाय बाय कह दो, मैं बाय बाय ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर फॉलोइंग अस, फॉर वॉचिंग अस, फॉर अप्रिशिएटिंग अस, फॉर कमेंटिंग अस, और जल्दी से आप लोगों से मुलाकात होगी। मेरी सारी दुआएं और उज़्मा की इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। चले जी, सुनो FM 89.4, दिल के अफसाने रिस्क कमाली के साथ।